नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज को आपका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है एफ टू और एफ टू माइनस का, ठीक है, मतलब क्लोरीन का है, उसी का आप लोग को आणविक ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल डायग्राम, आणविक ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला आपको क्या करना है, उसका कॉन्फिगरेशन लिखना है। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशन हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्योंकि कॉपी में जगह बहुत कम है, इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जहाँ लिखे अपने कॉपी पे। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या नौ होता है, तो 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा 1s का बॉक्स हो गया, एक हायर एनर्जी का बॉक्स, फिर एक लोअर एनर्जी का बॉक्स मिला देते हैं, फिर 2s का बनाते हैं। तो भाई हमारा ऊपर तैयार हो गया 2s का। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग 2p का। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। तो 2p का बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले सिंगल बॉक्स, फिर डबल बॉक्स, फिर सिंगल बॉक्स। ठीक है, इन सबों को मिलाना है आपको 2p पे। ठीक है, अब इसको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसका डायग्राम तो तैयार कर दिया, अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करने करेंगे, उससे पहले इसका नामकरण। तो 1s 2s, 2p 2p, 2s, 1s, इलेक्ट्रॉन फील्ड, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड भी भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इधर हम लोग कर दिया इलेक्ट्रॉन फेल, अब दोनों को काउंट कर लेंगे, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 9 18, बीच में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो 1 2 भरेंगे किस रूल से, हुंड रूल से, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भरेंगे किस रूल से, हुंड रूल से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो मैंने कर दिया इलेक्ट्रॉन फिर, तो ये हमारा तैयार होगा किसका, डायग्राम एफ टू का। नीचे लिख देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2। ठीक है, अब इसका भी नामकरण अभी बाकी है, σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, σ2pz, फिर यहाँ पर रहेगा π*2px, π*2py, फिर सॉरी पाई स्टार नहीं, यहाँ पे सिंपल रहेगा π2px, π2py, ऊपर रहेगा π*2px, π*2py, फिर σ*1z। ठीक है, तो ताकि आपको देखेंगे तो भद्दा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये तैयार हो गया एफ टू का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एफ टू माइनस का, एफ टू माइनस का क्या मतलब, कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब क्या, कि मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ का क्या कर लेगा,
तो 1 इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा ना तो ये 9 की जगह 10 हो जाएगा, तो आप इसी साइड 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे इतना, आप लोग पहले एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसी में कैसे आपको हल कर देंगे, दूसरा लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये बढ़ गया। ठीक है, तो अब जहाँ 9 होता था क्लोरीन का ना, वहाँ अब 10 हो जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 10 और 9 19 इलेक्ट्रॉन, बढ़ा कितना था 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 19 हो जाएगा। अब हमारा ये तैयार हो गया मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2, लिखना है F2 माइनस। ठीक है, मतलब इसका डायग्राम हो गया तैयार, मैंने बना दिया नेके में, अब आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक ठीक उसी प्रकार अगर F2 प्लस का दिया हो तो क्या करेंगे, 9 की जगह हम 8 कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस करेंगे तो 8 2 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे रिंग लगा, एक 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 सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन, इधर 9 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 15 इलेक्ट्रॉन, तो आप 15 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 और एक 15, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये हमारा हो जाता F2 प्लस का। तो दोस्तों आइए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा F2 का, F2 प्लस, F2 माइनस का आण्विक ऑर्बिटल डायग्राम या चित्र जो बोल लीजिए वो। ठीक है, तो आइए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोगों को स्टडी करते रहे। थैंक यू।